हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई मेडिसिन रिव्यू के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे पास ये दो इंजेक्शन हैं और आज हम जानेंगे सेफ्ट्राजोन और सेफोटेक्सिम में क्या अंतर है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे थे कि दोनों में क्या अंतर होता है और क्या इनमें समानता रहती है। तो दोस्तों, ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें जिससे आप समझ सकें पूरी जानकारी। तो यहाँ अगर बात की जाए सेफ्ट्राजोन की और सेफोटेक्सिम की, तो कई लोग इनमें नाम से ही कंफ्यूज रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों अलग हैं, सेफ्ट्राजोन अलग है और सेफोटेक्सिम अलग होता है। इनमें सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स कई तरह के ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, तो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप होता है उसी में एक जनरेशन होती है थर्ड जनरेशन, उसके ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। और ये दोनों ही इंजेक्शन कई तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी काम करेंगे। जाहिर सी बात है, फंगस वायरल में ये काम नहीं करते हैं, ठीक है गाइस। तो निमोनिया, टाइफाइड, लंग्स, यदि इनमें कोई इन्फेक्शन है या स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन है या स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई पुराना घाव है या फिर कोई सर्जिकल प्रोसेस हुआ हो, तब उसमें टांकों को सुखाने के लिए या कई तरह के गुनेरिया वगैरह में भी ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनके मल्टीपल यूजेस होते हैं दोनों ही इंजेक्शन, ज़्यादातर डॉक्टर की चॉइस मेडिसिन रहते हैं और इनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं। फिर चाहे आप सेफ्ट्राजोन ले लो या फिर आप सेफोटेक्सिम ले लो। अब ज़्यादातर बात की जाए कि इनमें अंतर क्या होता है, तो देखो एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि दोनों के दोनों ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन पर काम करते हैं और नॉर्मल सा अंतर है। अंतर इतना है कि जो सेफोटॉक्सिम होता है इसकी इफ़िकेसी सेफ्ट्राजोन से कम होती है और इसकी हाफ लाइफ भी कम होती है सेफ्ट्राजोन से। तो कई बार हो सकता है आपको सेफोटॉक्सिम दिन में 3 बार भी लगाना पड़ सकता है। दोनों के दोनों इंजेक्शन की फॉर्म में दिए जाते हैं, IV तथा IM। तो इनमें एफिकेसी का अंतर है। सेफोटेक्सिम थोड़ा कम काम करता है, धीरे धीरे काम करता है और जल्द ही बॉडी से निकल जाता है। एंड जो सेफ्ट्राजोन होता है ये थोड़ा लंबे समय तक टिका रहता है, अच्छा काम करता है, हाफ लाइफ भी अच्छी होती है। तो सेफ्ट्राजोन को आप दिन में 2 बार इंजेक्शन लगाएंगे, काफ़ी होता है, पेशेंट को आराम मिल जाता है। लेकिन बात आती है कि सेफोटेक्सिम यूज़ क्यों करेंगे, तो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के द्वारा देखा गया है कि डॉक्टर्स के द्वारा छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर सेफोटेक्सिम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, सेफ्ट्राजोन भी देता है, लेकिन वहाँ पर सेफोटेक्सिम सूटेबल रहता है छोटे बच्चों में और सेफोटेक्सिम सेफ्ट्राजोन का एक अल्टरनेट हो सकता है। मतलब कि आपको सेफ्ट्राजोन लगाना है लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं पा रहा है, तब आप सेफोटेक्सिम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा अंतर तो नहीं है, थोड़ा बहुत इनकी केमिकल्स स्ट्रक्चर में अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत इनकी बायोबिलिटी और हाफ लाइफ में अंतर हो सकता है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। और यदि आपको सेफ्ट्राजोन नहीं मिल रहा है तो आप सेफोटेक्सिम का यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ अंतर थे इन दोनों के बीच में। और दोस्तों, चलिए वीडियो के लास्ट में कुछ थोड़ी सी बेसिक डिटेल इनके बारे में बता देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो टेक्सिम 1 ग्राम आता है जिसके अंदर सेफोटेक्सिम साल्ट्स होता है, मेडिसिन होती है, वो उसको आप इजीली 38 रुपये में आपके नियरेस्ट फार्मेसी स्टोर से खरीद सकते हैं। और अगर बात करें मोनोसेफ 1 ग्राम की, जो कि सेफ्ट्राजोन साल्ट्स के साथ मिलता है, अगर इसकी बात करेंगे तो दोस्तों आप इसको इजीली 60 रुपये की MRP के साथ आपके नियरेस्ट किसी भी फार्मेसी स्टोर से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो टेक्सिम 1 ग्राम और मोनोसेफ 1 ग्राम के बीच। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर से कर दें और साथ ही आप चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देखा है आपने और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाले नई नई मेडिसिन के सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में इसी तरह की नई मेडिसिन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।